मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स वन वी टॉक अबाउट दिस टॉपिक दैन वी नीड टू नो दैट वट काइंड ऑफ मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स लर्नर्स नीड सो लर्नर्स की सिर्फ हम बात नहीं करते हैं। हम कहते हैं जी बच्चों को बड़ों को आ, हर इंसान को कौन सी ऐसी मॉरल वैल्यूज़ की ज़रूरत है जिससे हमारी सोसाइटी जो है वो एक सिविलाइज सोसाइटी के तौर पर दुनिया में के सामने आए इसमें कुछ चीज़ें जैसे प्री स्कूल से हम शुरू करें अगर तो यहाँ पे चाइल्ड्स ट्रांजिशन फ्राम ईगोसेंट्रिसिटी टू एम्पथी और एट लीस्ट द पोटेंशियल फॉर एम्पथी अच्छा ईगो सेंट्रिजम का मतलब यह है कि सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोना ईगोइस्टिक होना अपनी ईगो के बारे में आई एम समथिंग वेरी स्पेशल जब आप ये बात करें मैं बड़ी चीज़ हूँ और मेरी जो है, है मर्जी होनी चाहिए जो भी काम करना है मैं आपको ये कह रही हूँ इसलिए आपको फॉलो करना चाहिए जब पेरेंट्स बच्चों को ये कहते हैं अथॉरिटेटिव मैनर में कि लॉजिक उसकी नहीं है बच्चा कह रहा है कि मामा ये गलत बात है आ, अगर मैंने ये फॉलो किया है तो फिर मेरे बड़े भाई को भी फॉलो करना चाहिए आप कह रही हैं तुम बड़े भाई को छोड़ो जो मैंने तुम्हें कहा है यू नीड टू फॉलो बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और वो एग्रेशन दिल में रख लेते हैं फिर बड़े भाई की कोई ना कोई चीज़ को तोड़ेंगे किसी वजह से ग्रज होता है बच्चे के माइंड में और जब आपने उसको ये कहा बड़ी सख्ती के साथ कि बड़ा भाई तो फॉलो नहीं करेगा तुम फॉलो करोगे जब आप ये एक फ़र्क ले आएंगे तो बच्चे जो हैं वो उस वक्त आपकी बात खामोशी से मानेंगे आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे लेकिन फिर बाद में किसी न किसी वजह से अपना गुस्सा ज़रूर निकालेंगे इसी तरह से जो ये ईगो सेंट्रिसिटी की हम बात कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो सम, के समय कहते हैं कि प्री स्कूल्स में कि हमें इंपॉर्टेंस दी जाए हमारी जात को इम्पॉर्टेंस दी जाए तो ईगो सेंट्रिसिटी से ऐसा ऐसा जब वो चाइल्डहुड में आते हैं वैन फोर्स टू चूज़ बिटवीन हर ओन सेल्फ इंटरेस्ट एंड एम्पेथी अ फोर ये चाइल्ड विल आल वे सेलेक्ट सेल्फ इंटरेस्ट कि उसको कहा जाए कि ये खिलौना जो है ये तुम लेना चाहोगे या तुम अपने बहन भयों के साथ शेयर करोगे या अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे या सिर्फ तुम ही इसको इसके साथ खेलना चाहते हो तो वो कहेगा मुझे जो कि ये पसंद है ये मेरा टॉय है इसलिए मुझे ही ये मिलना चाहिए बाकी बहन भाईयों के साथ मैं शेयर नहीं करूँगा शेयरिंग प्री स्कूल में यानी अर्ली ईयर्स में बच्चों में नहीं होती वो ईगो सेंट्रिक होते हैं अपनी जात के साथ ज़्यादा मुंसलिक होते हैं ये एक नेचुरल जो है वो स्टेज का पार्ट है जिसकी वजह से हमें परेशान नहीं होना चाहिए लेकिन हमें मुसलसल मोरालिटी की जो टीचिंग है वो ज़रूर घर में देते रहना चाहिए उसके बाद प्री स्कूलर्स टेंट टू थिंक ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ब्लैक एंड वाइट टर्म ब्लैक एंड वाइट टर्म्स के आपने ये बता दिया है कि ये गलत है और ये सही है और गलत गलत ही रहेगा सही सही रहेगा इसमें कोई फ्लैक्सीबिलिटी नहीं है तो बच्चे ये कहते हैं कि जी Uh, चूँकि मैंने ये गिलास तोड़ा है मेरे से गलती हुई है चाहे जिस वजह से भी गिलास टूटा है चाहे जिस वजह से भी आपका मूड ख़राब है लेकिन आप डिसरिस्पेक्ट पेरेंट्स को और टीचर्स को नहीं कर सकते मतलब ये है इसमें कोई ऐसी फ्लैक्सीबिलिटी नहीं है कि चूँकि आप बीमार हैं तो आप डिसरिस्पेक्ट करें चूँकि आप जो है वो गिर गए हैं तो इसलिए आप बदतमीजी के साथ बोलेंगे अपने बड़ों के साथ नो देर शुडेंट बी एनी स्पेस बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग ये स्कूल में कि हम बात करें कि इस एज में बच्चों को बिल्कुल आपने जो है ना फॉर्म डिसीजंस जो हैं मॉरलिटी के वो बताने हैं और रीज़न uh, चाहे आप कोई भी हो लेकिन आपने उन्हें सिखाना है कि आप अपने मॉरल रूल्स को तोड़ नहीं सकते उसके बाद एट द एज ऑफ प्री स्कूल सम मॉरल फीचर्स इमर्ज है स्ट्रिक्ट इक्वलिटी और जो म्यूचुअलिटी है मेरिट डिजर्विंग है अच्छा स्ट्रिक्ट एक का मतलब ये है कि इक्वल राइट्स की बात वो करते हैं कि हम बहन भाई जो हैं मुझे भी उतना ही राइट है चाहे मैं छोटा हूँ जितना कि बड़े भाई को है अगर आप उसको ले गए हैं घुमाने के लिए तो ये नहीं वजह होनी चाहिए कि वो चूँकि बड़ा है तो कहीं गया नहीं तो इसलिए हम मुझे भी आप साथ लेकर जाएँ क्योंकि मैं चाहे छोटा हूँ लेकिन मैं भी इन्जॉय करना चाहता हूँ कभी कभी हम बच्चों को कहते हैं ना कि ये बड़ों के लिए ये छोटों के लिए नहीं है ऐसा तो कंपैरिजन आपने नहीं देना बच्चों को आपने इक्वल मॉडल जो है वो पेश करना है कि जो राइट right है वो बड़े के लिए भी राइट right है आपके लिए भी राइट right है जो रॉन्ग बड़े के लिए है वो आपके लिए भी रॉन्ग है तो इसलिए यूनिवर्सल जो लॉज हैं घर के अंदर वो आपने उसको स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो करवाना है उसको कोई स्पेस नहीं देनी कि तो वो एज ले जाए छोटा जी बड़ा लाडला है छोटा जो है वो अब बदतमीज़ी भी मेहमानों के सामने कर रहा है और छोटा जो है वो किसी मॉरल रूल को फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि आपने उसको सिखाया ही नहीं आपने कहा कोई बात नहीं अभी ये छोटा है छोटा जो है वो फिर इसका एज लेके जो है उसकी पर्सनैलिटी जो है वो डिस्ट्रॉय होती है तो यहाँ पे ये ज़रूरत है मोलिटी को डेवलप करने के लिए कि हमें बच्चे को जो है वो इक्वल सख्त डिसिप्लिन ही सिखाना है कि चाहे तुम्हारी एज कम है लेकिन हमारे घर का डिसिप्लिन जो है वो ये है कि यहाँ पे किसी भी बच्चे को ये इजाज़त नहीं है कि वो बड़े के साथ बदतमीजी करे इसलिए आप सब के लिए रूल्स जो हैं वो इक्वल हैं तो इस वजह से फिर बड़ा अच्छा एक इक्वल मॉडल जो है वो घर के अंदर डिवेलप होता है